बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। 10th क्लास की मैथमेटिक्स का ये इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है ताकि आपके पेपर में पूरे नंबर आ जाए। मैथ का ये वह पेपर है जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर, इसके पार्ट हैं पार्ट नंबर 3, 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 2, 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 5 और 7। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट हैं 1, 3 और 8। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज जो है, जो चैप्टर एंड होने के बाद एक्सरसाइज दी गई होती है, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट हैं 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 का, और क्वेश्चन नंबर 3 आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 का भी आपने तैयार करना है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में के पार्ट नंबर 4 और 5 भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसके बाद है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 1, 2 और 8। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट नंबर 1, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट नंबर 1 और 2 है। एक्सरसाइज 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइज 2.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट नंबर है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 2, पेज नंबर 42 पर एग्जांपल जो दी गई, एग्जांपल नंबर 5, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। एक्सरसाइज 2.7 इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 6 और 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का एक्सरसाइज है 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर है 2, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 9, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर इसका 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट हैं 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1, 2, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइज 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइज 3.6 इसका है क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1, 2 और 3। एक्सरसाइज 3 इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने मुकम्मल जितने भी इसके पार्ट्स हैं ये आपने तैयार करने हैं। यूनिट नंबर 4 इसके एक्सरसाइज 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। एक्सरसाइज 4.2 इसका है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 इसका मुकम्मल आपने तैयार करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है।
यूनिट नंबर फाइव। यूनिट नंबर फाइव में एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर वन और इसके पार्ट्स हैं वन टू और थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इसके पार्ट वन और फोर आप फाइव आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इसका पार्ट नंबर वन और सेकंड आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर वन इसका पार्ट नंबर फाइव और सिक्स, क्वेश्चन नंबर टू इसका पार्ट नंबर थ्री और फोर, और क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर सेकंड आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइज 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर वन इसके पार्ट नंबर वन टू थ्री और फाइव, क्वेश्चन नंबर फोर इसका पार्ट नंबर थ्री और पार्ट नंबर फोर। एक्सरसाइज 5.4 इसका क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री का आपने पार्ट नंबर वन टू और थ्री बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। एक्सरसाइज 5.5 इसका क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपने लाजमी तैयार करना है। यूनिट नंबर सिक्स, यूनिट नंबर सिक्स का एग्जाम्पल नंबर थ्री जो कि पेज नंबर 163 163 सवा नंबर पर जो एक्सरसाइज है ये आपने लाजमी तैयार करनी है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर थ्री इसके पार्ट नंबर वन और टू और क्वेश्चन नंबर सेवन, ये आपने लाजमी तैयार करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। एग्जाम्पल नंबर टू पेज नंबर 137 ये आपने तैयार करनी है। एक्सरसाइज 6.3 इसके क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव इसके पार्ट नंबर वन और टू आपने तैयार करना है, और क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। यूनिट नंबर सेवन, यूनिट नंबर सेवन में एक्सरसाइज है 7.1 इसका क्वेश्चन नंबर थ्री इसके पार्ट है वन टू और फाइव, क्वेश्चन नंबर फोर इसका पार्ट नंबर वन टू थ्री और फाइव आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव इसका पार्ट नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव, ये पांच पार्ट्स हैं इसके, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर वन थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सरसाइज 7.3 इसका क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्सरसाइज 7.4 इसका क्वेश्चन नंबर एट नाइन और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, ये आपने लाजमी तैयार करने हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। एक्सरसाइज 7.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 7 का जो कि लास्ट में दी गई है इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन और यूनिट नंबर थर्टीन इसका एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर इसके 13.1 का क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर फोर, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। यूनिट नंबर नाइन में का प्रॉब्लम नंबर टू थ्री और फोर है। प्रॉब्लम से मुराद ये है, हम इनको थ्योरम्स भी कहते हैं उर्दू में और आप इसको प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन यूनिट नंबर 12 इसका प्रॉब्लम नंबर वन और टू, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस है इनको लाजमी आपने तैयार करनी है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन के साथ साथ ये डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं। डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, रेडिकल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, सिंथेटिक डिवीजन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, नेम इनके भी तैयार करने हैं, और मेथड इक्वेशन, रेशियो, प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, बाइनरी रिलेशन, फंक्शन, कंपोनेंट ऑफ अ सेट, ऑर्डर्ड पेयर्स, इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, रेंज, वेरिएबल, डेविएशन, मोड, अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड डेविएशन, रेडियन, मेजर ऑफ एंगल, सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सेगमेंट, सर्कल, पेरीमीटर, रेडियस, डायमीटर और वर्टेक्सेस, ये आपने, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से
प्रॉपरली आपने इनको तैयार करना है। इसके अलावा जो इस गैस पेपर में दिया गया है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए इनको आपने इसके अलावा आपने जो 5 साल पेपर दिया गया होता है, 5 साल पेपर को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार करना है। उसमें से भी पेपर 50% पेपर 5 साल पेपर में से ले लेते हैं और 50% जो है वो नया पेपर दिया जाता है। तो आपने 5 साल पेपर को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आप मैथ में मुकम्मल पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकें, कोई भी आपका नंबर ना कट सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।